रिकॉर्डिंग को। आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइन डुप्लीकेट क्यूरी के बारे में। डुप्लीकेट क्यूरी जो है उसको फाइन करने का क्या उपाय है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दो डेटा मुझे चाहिए होंगे इसके लिए। एक डेटा तो मैं उठा लेता हूँ इसको, क्योंकि डुप्लीकेट क्यूरी में क्या होता है कि दो शीट जो है, दो टेबल है, उन टेबल के बीच में आपको ये बताता है डुप्लीकेट क्या है। और मैं इसको पेस्ट करता हूँ तरीके, कॉपी नहीं है तो है। ठीक है, निकल तो नहीं आया। डैमेज दोबारा से करना होगा। और अच्छा, लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है इसका, एरर है इस कारण से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा टेबल 1 है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एक और टेबल, टेबल 2 लेते हैं। टेबल 2 में भी है, एक डॉट लगा है, रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड लेगा नहीं, लेकिन लंबा हो जाएगा। हाँ, वही ई कोड की प्रॉब्लम थी, इस कारण से नहीं हो रहा था। देख करता हूँ आई डी इसका दे देता हूँ। सेव करेंगे, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉय कोड है वो यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9555, यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ हेलो। हाँ बोले। हाँ हाँ, नेटवर्क
तो हम क्या करने जा रहे हैं कि क्रॉस टाइप क्वेरी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि C21 में भी है, तो क्रॉस टाइप क्वेरी ये चीज, सॉरी, इसमें फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी यही दिखाता है कि कौन ऐसा नंबर दोनों में दो बार है। तो इसलिए टेबल वन ले लिया हमने, नेक्स्ट हमने आईडी टेबल वन में आईडी को, नेक्स्ट, नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, फाइंड डुप्लीकेट जो है ये अलग है, मैं गलत हुआ, वन मैच का था जो टॉपिक पढ़ा रहा था, सॉरी माफ कीजिएगा। इसमें क्या है कि अगर आपके पास है सिक डेज है, मान लीजिए, तो दो कॉलम को देखना चाहते हैं इसमें कौन कौन से डुप्लीकेट है उनके लिए है आपका क्रिएट में क्यूरी भी जाट, मैं बताता हूँ, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी जाट एंड ओके। हमने टेबल वन लिया और हमने डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड कौन सी है, तो मैंने बोला डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे हमने, तो हमने गलत कर लिया, हमें देखना था आईडी को, इसको रिमूव करते हैं आईडी, नेक्स्ट हम जाते हैं, इसमें भी हम कहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस स्कोर को देखना है, डुप्लीकेट कितना बार है, नेक्स्ट एंड फिनिश, नहीं ये आईडी को ही है, एक मिनट, हमने गलत कर दिए, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेरी में बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूँ ना सर, इसलिए बोल रहा हूँ। हालांकि इन लोगों क्वेरी को इतना खास यूज नहीं होता, तो एक मिनट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, लेकिन डालना तो होगा फाइंड डुप्लीकेट एंड ओके टेबल वन, मैं मान लीजिए डिपार्टमेंट लेता हूँ, आईडी सर्च करता हूँ, कुछ समझ में आया? नहीं समझा सर। बेसिकली ये आपका जो क्वेश्चन विभाग है ये बताता है कि टेबल वन में कितने डुप्लीकेट वैल्यू है मोर देन वन टाइम और उनकी आईडी क्या है, ये निकालने का है। यानी डिपार्टमेंट 4 टाइम होगा उसमें, हाँ, डिपार्टमेंट में चारों अकाउंटिंग 4 टाइम चारों का आईडी दे देगा यहाँ पे, देखिए कि डिपार्टमेंट, देखिए अगर अकाउंटिंग जो है 4 बार है तो चारों का आईडी दे दिया कि पहली बार में 14 है, दूसरी बार में 24 है, 12 है, 13 है, समझे? मतलब ये दूसरी बार में 24 कैसा समझा नहीं। बेसिकली टेबल में एक अकाउंटिंग यहाँ है, हाँ दूसरी 4 पे है और दूसरी अकाउंटिंग जो है 24 पे है। अच्छा, नंबर दे रहा है उसका हाँ, ये रहा रो ना, नंबर। ये रो नंबर नहीं, ये आईडी दे रहा है। आईडी नंबर, सॉरी। बेसिकली नहीं समझे कि आपके पास एक डेटा में इनवाइसेज है, ठीक है ना? अब एक इनवाइस में हो सकता है कि 10 प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट आपका डुप्लीकेट है, इनवाइस आपका डुप्लीकेट है। तो मान लीजिए कि आपको चेक करना है किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट किस किस इनवाइस में गया है, एक बता दें, इनवाइस नंबर आपको पता चल जाएगा, तो इनवाइस नंबर्स के भी आप पे बाकी चीजें उठा सकते हो आप, तो उन चीजों को दिखाने के लिए होता है, तो ये खास यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें एक और क्यूरी है, इसमें फाइन अनमैच्ड क्यूरी। इसमें क्या है कि मैं टेबल वन में गया और हमने टेबल, देखिए दो, इसमें दो को मैच करना होता है, इसमें दो टेबल की जरूरत पड़ती है, तो मैंने टेबल वन को
या क्यूरी हो सकता है, टेबल टू के साथ मैच करना चाहता है। ठीक है, इसकी आईडी और इसका एम्प्लॉय कोड, टेबल वन का आईडी एंड टेबल टू का एम्प्लॉय कोड, राइट। नेक्स्ट, और डेटा में क्या क्या चाहिए? तो मेरे चाहिए नेम, हायर डेट, सैलरी, बोनस, डिपार्टमेंट, या पूरा ही चाहिए मान लीजिए ना। एंप्लॉय ये बता रहा है कि इतनी आईडी जो है, इतनी जो डेटा है वो अनमैच, मतलब चार नंबर जो है ये आपके टेबल टू में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। टेबल टू में क्या नहीं है, चार नंबर टेबल टू में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आया? मतलब कि टेबल वन में कितने ऐसे नंबर हैं जो टेबल टू में एग्जिस्ट मान लीजिए ना, आपके पास दो डेटा आया हुआ है, डेटा वन एंड डेटा टू, राइट ना। तो हाँ उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन कौन सा डेटा डेटा वन में है, डेटा टू में नहीं। समझ गए? सर, उसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके लिए फिर हम लोग मैच और इंडेक्स, वी लुकअप वगैरह लगाते हैं, लेकिन उस सबसे बेटर हमारा यही। अब कैसे बेटर है, एक काम और करते, रुकिए। इसके लिए हम एक टेबल लेते हैं, रुक जाइए, डेटा लेते हैं, कॉपी करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, पेस्ट किया, ठीक है। अब इसमें कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसके मैं स्पैन बिटवीन लगाता हूँ 1 से लेके 500। अब मेरे पास एक्सेल के दो फाइलें हैं, ठीक है, एक्सेल के दो फाइलें हैं। तो क्या है कि ये हमारा ओल्ड डेटा है, ये हमारा न्यू डेटा है। और मुझे क्या, इसमें क्या है कि मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे इम्प्लॉय कोड हैं जो कि पुराने इम्प्लॉय कोड में भी है, इसमें भी है, वो तो है ही। हम ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे इम्प्लॉय कोड ऐसे हैं जो कि ओल्ड वाले में नहीं, तो मुझे इसके लिए यहाँ पे वी लुकअप लगा के देखना पड़ता है, फिर फिल्टर लगा डेटा को तीसरे शीट पे स्टेक करना है। तो मुझे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो चाहिए डेटा एक्सेल शीट में, अनमैच का चाहिए, अनमैच, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो हमें कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कोई और सोल्यूशन तो नहीं है। लेकिन अभी देखिए, आप इस फाइल को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, इस फाइल को मैं मैच डी के नाम से, एमडी के नाम से सेव कर देता हूँ, एक्सेल फाइल कर देता हूँ, सही रहेगा, ठीक है। तो इस फाइल को मैं बंद करता हूँ और जाता हूँ सबसे पहले एक्सेल 2016 खोलता हूँ, एक्स में जाता हूँ, देखिए कितना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेबल है इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ इसको टेबल को बंद कर दीजिए, मैं एक्सेल की इस टेबल को इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ एक्सटर्नल डेटा में, यहाँ पे न्यू टेबल एक्स, एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट हम आपके लिए इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल, और यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ और फाइल ब्राउज करता हूँ। लिंक करने से क्या होगा, एक्सेल में चेंज होगा तो ये भी अपने आप को चेंज कर देगा, ठीक है। एमडी कहाँ गया, वो आपका सी ड्राइव में गया है एमडी। हाँ माय डॉक्यूमेंट चला जाए क्या? करके फोल्डर दिखा रहा था। हाँ माय इसमें चला गया, ओके। हमें फिलहाल पहले चाहिए न्यू,
एंड फिनिश एंड ओके। और दूसरा हम क्रिएट में जाते हैं, फिर उससे कर्नल में, और फिर करते हैं यहाँ से हम फाइल एक्सेल और ईमेल, और फिर इसमें आते हैं वापस एलडी को सर्च करते हैं, ओके एंड ओके। यहाँ पे चाहिए ओल्ड, ले चुका हूँ मैं एंड फिर एंड दोस्तों फाइल हो गया। अब क्रिएट में जाता हूँ, क्यूरी विजार्ड में, फाइल अनमैच क्यूरी एंड ओके। न्यू और दो टेबल है, तो न्यू को लिया मैं, फिर मैं ओल्ड को लेता हूँ जो मैच करना है, ठीक है। और मैच किसको करना है, एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय कोड को करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लेना चाहिए, मैं पूजा पूजा लेना देना चाहिए, नेक्स्ट ठीक है आ गया। लेकिन एक चीज मुझे एक्सेल पे चाहिए, इसको सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और फिर मैं उस एमडी वाले फाइल को ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मैं डेटा में जाता हूँ, फ्रॉम एक्सेस और डॉक्यूमेंट में, दूसरे बात डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट डेटाबेस को डेटाबेस 12 सेलेक्ट किया एंड ओपन। अब इससे इसमें क्यूरी ही है, तो क्यूरी ही आएगी, फिर डेटा टेबल नहीं आएगा, तो डेटा टेबल तो लिंक ही ऑलरेडी ना, इसलिए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई, मान लीजिए कि ओल्ड के अंदर में, मान लीजिए ये है ना हमारा 230 है, तो मैं ओल्ड के अंदर में यहाँ पे मान लीजिए 230 कर देता हूँ एंटर मारा और सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 230 दिख रहा है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर दिया 230 गायब, हाँ गायब हो गया। ओके समझ तो ये लाइव अपडेट हुआ। तो नया किस तरह से हम हेल्प लेते हैं एक्सेस की। गया तो ये सारा डेटा जो है ये न्यू में है बट ओल्ड में नहीं, समझ गए। सर। चलिए तो आप इसकी मदद से आप अपने ऑफिशियल लाइफ को और अच्छे तरीके से बनाइए।